80 दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस रेखा, जो अपनी फिल्मों के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर रही है और फिल्मों से ज्यादा और एक्टिंग से ज्यादा उन्होंने चर्चा और लाइमलाइट बटोरी है अपनी निजी जिंदगी को लेकर। अब चाहे वो उनकी शादीशुदा जिंदगी हो, चाहे उनके अफेयर्स हो, या फिर किसी का घर तोड़ना हो, या फिर अपने पर्सनल सेक्रेटरी फरजाना के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना हो। ऐसे में अब रेखा को लेकर एक और खबर सामने आई, जहां पर एक ऐसी सुपरस्टार ने खुलासा किया है रेखा के खिलाफ, जिसके खुलासे के बाद रेखा का वो सच सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल इस सुपरस्टार ने खुलासा किया है और खुद कहा है कि किस तरह से रेखा मर्दों को सिग्नल देती थी, इस तरह से सिग्नल देती थी कि सभी मर्द उसकी तरफ आकर्षित होते थे। सबको ऐसा लगता था कि वो जब चाहेंगी रेखा के साथ कुछ भी कर सकेंगे। ऐसा किसी और ने नहीं बल्कि कहा था संजय दत्त की मां नरगिस दत्त ने। और क्या कुछ कहा था, देखिए रिपोर्ट। मर्दों को सिग्नल देती है रेखा, जब इसी सिनेमा की सुपरस्टार एक्ट्रेस ने खुलासा किया था रेखा के बारे में तो सब हैरान हो गए थे। एक्ट्रेस रेखा की रियल लाइफ हमेशा ही कंट्रोवर्सीज और राज से भरी रही। रेखा का नाम जितना फिल्मों से कमाया है उससे कई ज्यादा उन्होंने अपने अफेयर्स से लाइमलाइट बटोरी है। अमिताभ बच्चन से लेकर संजय दत्त तक रेखा के रिश्ते जमकर लाइमलाइट बटोर रहे थे। रेखा कई एक्टर्स का घर तोड़ने का आरोप उन पर लग चुका है। एक समय तो ऐसा भी था कि शादीशुदा मर्दों के लिए रेखा अभिशाप माने जाने लगी थी। नरगिस दत्त ने तो उनके लिए क्या कुछ कह दिया था। एक्ट्रेस रेखा को नरगिस दत्त बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इसकी वजह थी उनके पति सुनील दत्त और बेटे संजय दत्त। दोनों एक्टर ने रेखा के साथ कई फिल्मों में काम किया था, जिसके बाद दोनों के साथ ही रेखा के इश्क के चर्चे होने लगे थे। ये बात नरगिस को बिल्कुल पसंद नहीं आई। जब नरगिस ने सुनील दत्त के साथ रेखा के चर्चे सुने तो वो बौखला गई और रेखा को दुश्मन मान लिया। नरगिस ने 1976 में दिए गए इंटरव्यू में रेखा को लेकर खुलकर बात की थी। नरगिस दत्त ने रेखा को कोसते हुए कहा था कि रेखा मर्दों को इस तरह से सिग्नल देती थी जैसे वो आसानी से उनके लिए उपलब्ध है, जबकि सब कुछ लोगों की नजरों में वो किसी चुड़ैल से कम नहीं है। नरगिस यही नहीं रुकी, उन्होंने तो ये भी कहा कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं रेखा को ज्यादा जानने लगी हूँ, पर अब मैं उनकी दिक्कत समझ गई हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे कई बच्चों के साथ काम किया है जिन्हें साइकोलॉजिकल परेशानियां होती हैं। रेखा हमेशा खोई रहती है, उन्हें एक मजबूत आदमी की सख्त जरूरत है। नरगिस अपनी सादगी और तहजीब के लिए जानी जाती थी, लेकिन उन्होंने रेखा को लेकर ऐसी बातें कही कि पूरे हिंदी सिनेमा में खलबली मच गई। शॉकिंग बात तो ये थी कि रेखा का सिर्फ सुनील दत्त के साथ नाम नहीं जुड़ा, बल्कि नरगिस के बेटे संजय दत्त के साथ भी नाम जोड़ा गया था। जब रेखा और संजय दत्त की शादी की खबरें आई तो संजय दत्त ने सफाई पेश करते हुए सारी खबरों को अफवाह बताया था। नेक्स्ट सन लाइफ की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से नरगिस दत्त का गुस्सा फूटा था रेखा पर, और इस गुस्से में उन्होंने इंटरव्यू में कैसे शब्दों की हया पार कर दी थी, हदें पार कर दी थी, और किन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने रेखा के लिए किया था, इसका भी खुलासा आपके सामने किया। तो कैसे लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट जानने के बाद, रेखा की सच्चाई जानने के बाद कैसा लगा आप सबको जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक लीजिए इजाजत, शुक्रिया।